नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, राजनीति कई बार किसी व्यक्ति को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है जहां से अजीब तरह के संयोग बनते हैं। दरअसल ऐसा ही अजीब संयोग कल सिरसा के पूर्व 3 सांसदों के साथ देखने को मिला। और ये पूर्व सांसद थे 1991 व 1996 में सिरसा से निर्वाचित व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने 1996 में डॉक्टर सुशील इंदौरा को पराजित किया था, तथा तीसरे सांसद थे सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी, जिन्होंने 2014 में डॉक्टर सुशील इंदौरा को पराजित किया था। वह तीनों आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के मंच पर एक साथ थे। आपको बता दें कि कल ही सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी व डॉक्टर सुशील इंदौरा ने कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1998 में डॉक्टर सुशील इंदौरा ने कुमारी शैलजा को राजेश किया था, यानी पराजित किया था, तथा वे पहली बार सांसद सदस्य चुने गए थे। इस प्रकार यहां पर कुमारी शैलजा ने 1996 में डॉक्टर सुशील इंदौरा को पराजित किया, वहीं डॉक्टर सुशील इंदौरा ने 1998 में कुमारी शैलजा को पराजित किया था। और उधर चरणजीत सिंह रोड़ी ने 2014 में डॉक्टर सुशील इंदौरा को पराजित किया। वह तीनों अलग अलग दलों से संबंधित थे, जहाँ कुमारी शैलजा तब तक कांग्रेस में थी, वह आज भी कांग्रेस में हैं। वहीं डॉक्टर सुशील इंदौरा 1996 से 1998 में लोकदल में शामिल थे, जिसे आज इंडियन नेशनल लोकदल कहते हैं, तथा चरणजीत सिंह रोड़ी ने 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइन किया था। उस समय डॉक्टर सुशील इंदौरा हाजका में उम्मीदवार के रूप में सिरसा से चुनाव लड़े थे, मगर आज वह तीनों पूर्व सांसद एक साथ कांग्रेस के मंच पर थे। अब इसे राजनीतिक संयोग कहें या फिर कुछ और, लेकिन जो भी हो, तीनों एक दूसरे का विरोध करने वाले आज एक ही मंच पर हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, संभावनाओं का खेल है। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।